फ्रेंड विदाउट इंटरनेट के भी आप यूपीआई से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। सुनने में थोड़ा सा टेक्निकल लगेगा लेकिन ये बहुत ही सिंपल है। अगर आपने यूपीआई रजिस्टर करा रखी है तो बिना इंटरनेट के भी आप यूपीआई से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। फ्रेंड आज भी कई जगहों पे कई कारणों की वजह से नेट बंद कर दिया जाता है या फिर आपका नेट ना चल रहा हो, उस समय पे ये ट्रिक बहुत ही काम की होगी। तो फ्रेंड इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आप देख रहे हैं एमजी टेक हिंदी। सो फ्रेंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस बात से अवेयर हो जाएं। सो फ्रेंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं दिखाता हूं कि कैसे आप बिना इंटरनेट के भी यूपीआई से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। सो फ्रेंड नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI ने एक USSD नंबर लॉन्च किया था जिससे कि आप ऑफलाइन भी UPI से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे डायल पैड ओपन कर लेता हूँ और डायल पैड ओपन करने के बाद से मैं यहाँ से एक नंबर डायल करूँगा *99 और हैज, मैं इसको कॉल करता हूँ। कॉल करने के बाद से आपको यहाँ पे कैरियर इन्फो आ गया, ओके कर दिया मैंने। ओके करने के बाद से आपको यहाँ पे जो UPI का डिटेल है ओपन होके आ जाएगा। सो फ्रेंड यहाँ पे UPI का डिटेल ओपन होके आ गया है। मैं यहाँ पे सेंड मनी पे करना चाहता हूँ। सो मैं यहाँ पे 1 टाइप करके भेज दिया क्योंकि सेंड मनी 1 नंबर पे है, तो मैंने 1 टाइप किया और सेंड कर दिया। सो फ्रेंड जैसे ही 1 टाइप करके सेंड किया तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया कि आप किस पे भेजना चाहते हैं, मोबाइल नंबर पे, UPI पे। सो मैं यहाँ पे UPI ID एंटर कर रहा हूँ, उसके लिए मैं यहाँ पे 3 प्रेस किया और सेंड कर दिया। सो यहाँ पे जैसे 3 प्रेस करके सेंड किया तो यहाँ पे बोल रहा है कि आप UPI ID डालिए यहाँ पे। सो मैंने यहाँ पे UPI डाल दिया और यहाँ पे सेंड पे क्लिक कर दिया। सो यहाँ पे वेरिफिकेशन होके आ गया कि जो आपने UPI एंटर किया है वो मुकेश कुमार गुप्ता के नाम से रजिस्टर्ड है। अगर आप ओके हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सो मैं ये मेरा ही UPI है, मैं यहाँ पे 10 रुपये सेलेक्ट करता हूँ और भेजता हूँ यहाँ पे। सो फ्रेंड मैंने यहाँ पे सेंड कर दिया। अब बोला है कि आप यहाँ पे कोई रिमार्क देना चाहते हैं तो दे सकते हैं या फिर आप स्किप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे टेस्ट करके एक रिमार्क दे देता हूँ कि मैं टेस्टिंग के लिए कर रहा हूँ। सो मैं यहाँ पे सेंड कर दिया। सेंड करने के बाद से आपको यहाँ पे अब जो आपका UPI पिन है वो एंटर करना होगा, तो ये थोड़ा क्रिटिकल है तो मैं यहाँ पे ये वीडियो स्किप कर रहा हूँ। सो फ्रेंड मैंने UPI का जो पिन है वो एंटर करके मैंने नेक्स्ट पे कर दिया और यहाँ पे जो मेरा कैरियर इन्फो है वो खुल के आ गया है। आप देख सकते हैं मैसेज भी आ गया मेरे बैंक है कि आपको 10 रुपीज़ का क्रेडिट हो चुका है और 10 रुपीज़ जो डेबिट हुआ है उसका भी मैसेज मेरे को यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 रुपीज़ जो डेबिट हुआ है, 10 रुपीज़ जो क्रेडिट हुआ, दोनों का मैसेज मेरे पास आ गया है। सो फ्रेंड इस तरह से आप ऑफलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं UPI के थ्रू, बहुत ही सिंपल है। सो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी आपको और मुश्किल समय में आपके जरूर काम आएगा। सो फ्रेंड चलिए मिलते हैं आपसे एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।